इस चैनल में आपका स्वागत है। अग्नि पुराण समस्त महापुराणों की सूची में 8वें स्थान पर है। अग्नि पुराण पुराण विशाल ज्ञान भंडार के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। इस पुराण को पंचलक्षण कहते हैं क्योंकि इसमें सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, संहार, वंश मन्वंतर तथा वंशानुचरित का वर्णन अवश्य में रहता है। आनंदाश्रम से प्रकाशित अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 11475 श्लोक हैं, परंतु नारद पुराण के अनुसार इसमें 15,000 श्लोकों तथा मत्स्य पुराण के अनुसार 16,000 श्लोकों का संग्रह बतलाया गया है। अग्नि पुराण को भारतीय संस्कृति का विश्वकोश भी कहा जाता है। अग्नि पुराण में त्रिदेवो यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं सूर्य देव की उपासना का विवरण विस्तार पूर्वक किया गया है। अग्नि पुराण में समस्त विद्याओं का वर्णन, महाभारत एवं रामायण का अल्प विवरण है। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म व अन्य अवतारों की कथा, सृष्टि, विविध देवी देवताओं के मंत्र, पूजन विधि व अन्य अनेक उपयोगी विषयों को अत्यंत सहज रूप में संकलित है। आरंभ में दशावतार तथा सृष्टि की उत्पत्ति के अनंतर मंत्र शास्त्र तथा वास्तु शास्त्र का सूक्ष्म विवेचन है, जिसमें मंदिर के निर्माण से लेकर देवता की प्रतिष्ठा तथा उपासना का पुखानुपुख विवेचन है। भूगोल, ज्योतिष शास्त्र तथा वैद्या के विवरण के बाद राजनीति का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें अभिषेक, सहाय, संपत्ति, सेवक, दुर्ग, राजधर्म आदि आवश्यक विषय निर्णीत है। अंतिम भाग में आयुर्वेद का विशिष्ट वर्णन अनेक अध्यायों में मिलता है। छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण तथा कोश विषयक विवरणों के लिए अध्याय लिखे गए हैं। अग्नि पुराण में स्वप्न विचार और शकुन अपशकुन पर भी विचार किया गया है। पुरुष और स्त्री के लक्षणों की चर्चा इस पुराण का अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। सर्पों के बारे में भी विस्तृत जानकारी इस पुराण में उपलब्ध होती है। जो मनुष्य अग्नि पुराण को लिखकर स्वर्णमय कमल और तिलमृधेनु के साथ मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को पौराणिक ब्राह्मण को दान करता है, वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अग्नि पुराण की पढ़ने व सुनने से मनुष्य को यह लोक एवं परलोक में भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूले। धन्यवाद।